राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। आगरा स्थित अपने निवास पर एक विशेष समारोह में भारतीय राजनीतिक और लोकसभा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की सीईओ गजल खान का स्वागत और सम्मान किया। प्रोफेसर बघेल ने डीसीसीबीआई में गजल खान की दशक भर की सेवा और अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट परिषद की उपाध्यक्ष के रूप में सफलतापूर्वक 3 वर्ष पूरे करने के लिए उनकी सराहना की। प्रोफेसर बघेल ने गजल खान के दूरदर्शी नेतृत्व की प्रशंसा की, जिसके अंतर्गत भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने 124 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें से 100 मैचों में जीत हासिल की, जिसमें 2015 में पहली बार एशिया कप जीतना और 2019 में एशिया कप में उपविजेता रहना शामिल है। गजल खान के साथ हैदराबाद के भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कोटेश्वर नायक भी मौजूद थे, जिन्हें प्रोफेसर बघेल ने नेपाल में आयोजित व्हीलचेयर क्रिकेट एशिया कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाने के लिए सम्मानित किया। प्रोफेसर बघेल ने आगरा में एक उत्पाद निर्माण इकाई की स्थापना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के गजल खान के पहल की भी सराहना की। समर्थन के एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में उन्होंने आश्वासन दिया कि संसद खेल स्पर्धा के लिए टी शर्ट निर्माण का कार्य इस इकाई को सौंपा जाएगा, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार और सशक्तिकरण को और बढ़ावा मिलेगा। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की यह मान्यता और समर्थन खेल और अन्य क्षेत्रों में समावेशिता और सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित करता है और राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर भारतीय दिव्यांग क्रिकेट को ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करता है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।